कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय के हिसाब से दुनिया के अलग अलग कोने में जैसे बाकी चीजों के लिए मशीनों का विकास हुआ, वैसे ही कृषि के लिए भी हुआ। खेती, जिसे आज दुनिया के कई मुल्कों में एक उद्योग का दर्जा मिला हुआ है, उस खेती को उद्योग की तरह स्थापित करने का श्रेय जिस शख्सियत को जाता है वो है जॉन डीरे। पूरी दुनिया इन्हें खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की खोज और विकास के लिए जानती है। मशीन चाहे किसी रूप में हो, उसने जिंदगी के हर हिस्से में बदलाव लाया है। आज चाहे कंप्यूटर हो या फिर सिंचाई के लिए लगाया जाने वाला पंपिंग सेट, उसने हमारे सोचने, देखने और जीने का नजरिया बदल दिया है। तो इसलिए भी ये जाता है कि वो ये दो ऑपरेशन, बुआई और कटाई, है ना, ये दोनों टाइम बाउंड है और उन पे टाइम के साथ काम करना बहुत जरूरी है। हमारे दृष्टा थे प्रथम प्रधानमंत्री साहब जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने कहा था कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, कृषि नहीं कर सकती। और अगर कृषि को प्रतीक्षा नहीं करवानी है तो मैकेनाइजेशन या मशीनरी अत्यंत आवश्यक हो जाती है। तो ये ज़रूरतें जब हम 90s के ही दौरान और उसके थोड़े पहले से हुआ कि भाई ये कैसे विकास हो, तो उसमें संस्थान काम करने लगे। संस्थान में आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है, पंतनगर यूनिवर्सिटी, IRI है, CII भोपाल है, IIT खड़गपुर है, और साउथ में जाइए तो ढेर सारी यूनिवर्सिटीज हैं, TNAU है, APAU है, मतलब इस तरह के यूनिवर्सिटीज आए जिनके कृषि अभियांत्रिकी संभाग में इस तरह की मशीनों का विकास शुरू हुआ। तो मशीनों के विकास में एक तो इनके योगदान रहे संस्थानों के, फिर जो ये ट्रैक्टर कंपनियां रहीं इनके अपने योगदान थे ट्रैक्टर बनाने के साथ साथ, ये लोग मशीन के विकास पर भी काफ़ी जोर दिए। और तीसरा जो मैं जिसको काफ़ी महत्व देता हूँ वो ये है कि जो इनोवेटिव मैन्युफैक्चरर थे, पंजाब में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में आप पाएंगे और पूरे देश में फैले, मेरा एक जगह का कहना नहीं है, ऐसे मैन्युफैक्चरर थे जो मशीन को देखा और उसको बनाने का चाहिए। और उन्होंने फिर संस्थानों से बहुत सहयोग लिया, हमारा जैसे संस्थान है या दूसरे यूनिवर्सिटीज का जिनका हमने नाम लिया, उन संस्थानों के साथ मिलकर के इन्होंने मशीन डेवलपमेंट में बहुत जोर बढ़ा। और 90s का एक ऐसा पीरियड आया जब हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, उस समय फिर ये मशीनी मैन्युफैक्चरिंग खोल दी गई, अदरवाइज ये रिजर्व थे कि केवल स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व थी, फिर थोड़ा खोल गया, उससे क्वालिटी फिर बढ़ी, अच्छी क्वालिटी, उससे कैपेसिटी बढ़ी। लेकिन सोचिए, जब पंपिंग सेट नहीं था तब कैसे काम चलता था, जब ट्रैक्टर नहीं था तब बैल थे, लेकिन ट्रैक्टर के होने से खेती कितनी आसान हो गई। उसी तरह बड़े थ्रेशर्स आने के बाद सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर लगी गेहूं की फसल की कटाई कितनी आसान हो गई। इरिगेशन यानी सिंचाई एक ऐसी चीज थी जिस पर हमारे यहाँ काफी इन्वेंशन हुए हैं, कुएं से ढेकली से सिंचाई करना, फिर राहट से सिंचाई करना, फिर उसके बाद ये आया कि नहीं डीजल इंजन अगर लगाए जाएं तो ये सिंचाई के लिए बहुत अच्छे होंगे। और डीजल इंजन का इसके अलावा जो दूसरा था कि स्टेशनरी काम के लिए आपका मान लीजिए चक्की चलानी है, आटे की चक्की का वो था, उस समय डीजल इंजन पॉपुलर हुए, तो ये 30s का दौर था। ट्रैक्टर, JCB, लिफ्टर, थ्रेशर, ग्रास राउटर, लेवलर, मतलब खेती के लिए जमीन की जरूरत की इन तमाम मशीनों को बनाने की नींव रखने वाले शख्स के तौर पर विख्यात हैं।
खेतों में मशीनों के इस महानायक की अमेरिका समेत पूरी दुनिया में डंका बजता है। आज से करीब 2 शताब्दी पहले अमेरिका के ग्रॉड डेट्योर में इस महानायक ने फावड़ा, कुदाल, खुरपी, कल्टी, लेवलर जैसे छोटे छोटे खेती के उपकरणों की दुकान खोलकर इसकी शुरुआत की। एक नाम जो विश्व पटल पर निकल के आता है वो जॉन डीयर साहब का है। डेफिनेटली जो है ना, ऐसा उन्होंने मैकेनाइजेशन को यूरोप में पर्टिकुलरली मैकेनाइजेशन को सोचा कि बढ़ना चाहिए। वो ऐसा समय था जब कृषि में ज़्यादातर मशीनें नहीं यूज हो रही थी, तो उन्होंने सोचा और इसको बढ़ावा देने की कोशिश किया। अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से इस तरह से, लेकिन आज भी जो है ना, जॉन डीयर का जो है पूरे विश्व में छाप है, और भारत में भी आपको जॉन डीयर की मशीनें और ट्रैक्टर और इस तरह की चीज़ें दिख जाएंगे। चाहे आप उनको उनके परफॉर्मेंस के आधार पर देखिए, चाहे क्या कहते हैं गुणवत्ता के, और इवन लुक सब देखेंगे तो मशीनों का बहुत अच्छा है। आज से करीब 2 शताब्दी पहले अमेरिका के ग्रॉड डेट्योर में इस महानायक ने फावड़ा, कुदाल, खुरपी, कल्टी, लेवलर जैसे छोटे छोटे खेती के उपकरणों की दुकान खोलकर इसकी शुरुआत की। हिंदुस्तान में लगने वाले मेलों और हाट बाजारों में आज भी ऐसी दुकानें देखी जाती हैं, लेकिन इन्होंने मांग आधारित ऐसी दुकान करीब 2.5 साल पहले खोली। फिर भी आज अपने यहाँ की दुकानों और साल 1836 में इनकी तरफ से खोली गई दुकानों में एक बुनियादी फर्क है। हमारे यहाँ आज भी खेती के ऐसे उपकरणों की दुकानों में परंपरागत चीजें ही मिलती हैं, मतलब मांग के हिसाब से बड़े स्तर पर सप्लाई नहीं की जा सकती। लोहार यानी लोहे का काम करने वाले लोग ऐसी कोशिश जरूर करते हैं, पर खेती की जरूरत के हिसाब से वो नाकाफी है। लेकिन इस महानायक ने किसानों की मांग के हिसाब से उत्पाद बनाना तब शुरू किया जब ऐसा सोचना ही बड़ी बात थी। कई मौकों पर वो खुद किसानों की जरूरत को देखने, उसे समझने, उनके खेतों पर जाया करते और फिर उपकरण तैयार करने की कोशिश करते। नतीजा ये हुआ कि उस दौर में देखते देखते इनकी दुकान पर खेती के उपकरण खरीदने वालों की लंबी लाइन लगने लगी। इसके बाद इन्होंने ऐसे बड़े प्लांट की नींव रखी जिसमें ये छोटे उपकरण बड़ी संख्या में बनाए जाने लगे। इस महानायक का कुशल मैनेजमेंट उनकी कामयाबी की कहानी लिखने लगा। अमेरिका के डेटोर शहर और उसके आसपास कई शाखाएं खुल गईं, जिसमें खेती के उपकरण के अलावा नई तकनीकों के बारे में किसानों को बताया जाने लगा। उन्होंने किसान की आवश्यकताओं को नज़दीक से समझा, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, और उसी अनुसार से उनको पता था कि चूँकि हमारे यहाँ जो किसान थे उतने समृद्ध नहीं थे, तो वो बड़ी मशीनें या कास्टली मशीनें नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो इन लोगों ने ये क्या किया कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से, और किस क्षेत्र में कैसी ज़रूरत है, किस किसान को कैसी ज़रूरत है, क्या कैपेसिटी चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या उनकी क्या कहते हैं
परफॉर्मेंस चाहिए, इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसी सुटेबल, जैसे अप्रोप्रिएट फार्म मशीनरी की बात करते हैं, जिसके लिए जो जरूरी हो। हर इलाके की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और किसान को साथ लेकर खेती के उपकरणों में समय समय पर जरूरी बदलाव किए गए और ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। इनकी सोच ने खेती के लिए बड़े बड़े और नई तकनीक के उपकरण बाजार में है। आज ये आधुनिक खेती में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों में बड़ा ब्रांड है। इन प्रयासों ने इन्हें आधुनिक खेती के पितामह का दर्जा दिया। दुनिया भर के किसानों के इस महानायक की दूरगामी सोच के बारे में आगे बात करें, उससे पहले इनका जीवन परिचय देखिए। इनका जन्म 7 फरवरी 1804 को अमेरिका के रॉटलैंड में हुआ। जॉन शुरुआत में एक किसान रहे, लेकिन बाद में उद्योगपति बन गए। इन्होंने खेती को जो भी दिया, उसकी शुरुआत उन्होंने बहुत छोटे स्तर से की। और जिस दौर में ये शुरुआत हुई, वो ज्यादा मायने रखती है। 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया के एक कोने में औद्योगिक क्रांति की सुगबुगाहट हो रही थी। कभी यूरोप का सांस्कृतिक और राजकाज वाला गलियारा माने जाने वाला लंदन, पेरिस औद्योगिक गलियारा बनता जा रहा था। जरूरत की चीजों का उत्पादन परंपरा और औपनिवेशिक बेड़ियों से थोड़ा बाहर निकलकर वाष्प आधारित मशीन के हवाले किया जा रहा था। उपनिवेशों से सस्ते श्रम और बेहतर बाजार की हर संभव तलाश जारी थी, लेकिन खेती को लेकर कोई बड़ी जागरूकता ना तो इस समय यूरोप में थी और ना ही अमेरिकी देशों में दिखाई दे रही थी। छोटे स्तर पर प्रयास जरूर हो रहे थे, हालांकि जिस तरह से उद्योग खड़े हो रहे थे, खेती की कद्र नहीं थी। इसी छोटे स्तर के प्रयास के बीच किसानों के इस महानायक ने आने वाले दिनों में खेती में वो ताकत देखी जिसका संबंध सीधे दुनिया की बड़ी आबादी के पेट से था। एक ऐसी स्थिति आई जहां पर हमें कहा गया शिप टू माउथ, यानी जहाज से अनाज उतरे और उसको हम खाएं। शिप टू माउथ, हैंड टू माउथ की बात करते हैं, उसे शिप टू माउथ पे आया। और वो बहुत ही ऐसा दौर था जहाँ पर अनाज की खेती में, खेती को अच्छा करना और अनाज ज़्यादा पैदा करना, ये नितांत आवश्यक हो गया। और हम कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो ये पीरियड कृषि के जो सचेता थे भारत, उस समय की जो सरकार थी, जो वैज्ञानिक थे, जिन जगहों पे काम हो रहा था, ये संस्थान जहाँ बैठे हैं, हम इसे ग्रीन हाउस, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की जननी कहते हैं। यहाँ आसपास के जो किसान थे नज़दीक के गांव में, वहाँ पर प्रयोग किए गए। PAU लुधियाना, पंतनगर यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने बड़ा काम किया और ये आया कि खेती में विकास होना चाहिए। और ये संयोग ही है, और मैं कहूँगा कि सुखद संयोग था कि उसी समय ये चिंतन भी बहुत जोर से शुरू हुआ कि नहीं, अब तो कृषि का विकास मैनुअल तरीके से नहीं हो सकता, इसमें तो मैकेनाइजेशन की आवश्यकता है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी आज किसानों का बड़ा वर्ग जरूरत के मुताबिक मशीनों का इस्तेमाल करता है। लेकिन जरा सोचिए, आज से करीब 200 साल पहले ये सब सोचना ठीक उसी तरह था जैसे आज मंगल पर कॉलोनी बसाना, मोबाइल और इंटरनेट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर लोगों से बात करना। लेकिन जॉन ने सपना देखा, बड़ा सपना देखा, और ना सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे हकीकत में बदलने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी।
आज कई जोड़ी बैलों का काम एक ट्रैक्टर पूरा कर देता है, कम समय में, तय समय में, कम खर्च में। लेकिन पहली बार ट्रैक्टर के बारे में सोचना क्रांतिकारी कदम था। कुछ सालों पहले 19वीं शताब्दी के ट्रैक्टर्स की विंटेज प्रदर्शनी हुई। देखिए कैसे कैसे ट्रैक्टर्स हुआ करते थे। भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ा दिलचस्प स्टोरी है मैकेनाइजेशन कैसे बढ़ा। पहली बार जो है पहला ट्रैक्टर अगर हम कहें भारत में तो 1914 में इंपोर्ट हुआ था और उसके बाद चूँकि कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं रहा, 30s में डीजल इंजन बनना शुरू हुए लोकल, अपने देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। कुछ सालों पहले 19वीं शताब्दी के ट्रैक्टर्स की विंटेज प्रदर्शनी हुई। देखिए कैसे कैसे ट्रैक्टर्स हुआ करते थे। इन ट्रैक्टर्स में आगे पैर रखकर बैठना पड़ता था, मोड़ने तक में लंबा वक्त लग जाता था। लेकिन सुधार होता गया और सुविधाएं बढ़ती गईं। उसी समय 1961 में पहली बार जो आइसर कंपनी है ट्रैक्टर की कंपनी, उन लोगों ने ये सोचा कि हमारा भारत में ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए और 61 में 880 ट्रैक्टर इस देश में बने और वो आसपास के एरिया में, वेस्टर्न यूपी हुआ और हरियाणा हुआ या पंजाब हुआ, यहाँ पे फैले। और वो ट्रैक्टर इस तरीके से था कि साहब उससे सिर्फ आप जुताई के काम की बात नहीं, पानी निकालने के काम की बात आई। इरिगेशन में उसका उसके डिज़ाइन कुछ इस तरह से सुटेबल थी कि कहीं ले जाकर खेत के बाहर कुआं जहाँ है वहाँ लगा करके पानी निकाला जाए। तो इरिगेशन और उसके साथ साथ फिर ये आपका जो खेत के जोतने का काम। तो हम जब कहते हैं कि शुरुआत में कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे मैकेनाइज हुए इस देश में और आज भी वो स्थिति है, वो एक तो था जिसे हम अंग्रेजी में टिलेज कहते हैं, जैसे मैंने खेत की जुताई, और दूसरा था पानी निकालना इरिगेशन, और तीसरा था ट्रांसपोर्टेशन। चूँकि ये तीनों काम ट्रैक्टर उस समय जब उस समय शुरुआत में जो ट्रैक्टर थे वो इस तीनों काम को बखूबी कर सके। आज वही ट्रैक्टर कितना विशालकाय हो चुका है, वो आज एक साथ कई कामों को अंजाम देता है। लेकिन ये तब संभव हुआ जब उस ट्रैक्टर को बनाने का सपना देखा गया, बाद में जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव किया गया। ये सब कोई मामूली सोच का नतीजा नहीं था। ट्रैक्टर तो एक तरह से सोल्जर है। सोल्जर को जब तक हथियार नहीं दोगे तब तक वो क्या करेगा। तो ट्रैक्टर का काम सोल्जर का था, उसके साथ शुरुआत के हथियार आपने केवल कल्टीवेटर, हैरो दिया और एक पंप सेट दिया और ट्राली दे दी। लेकिन बाद में आया कि नहीं, हमें बुआई की मशीनें चाहिए, प्लांटर चाहिए, सीड ड्रिल चाहिए, और फिर उसके बाद आया कि आपका ट्रांसप्लांटर जो इस तरह का आया कि इस तरह की भी चीज़ चाहिए, और फिर कटाई की बात आई। कटाई में हमें जो दो बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशंस जो एग्रीकल्चर में हैं आप ये ध्यान देंगे, वो एक तो आपका बुआई का है और दूसरा आपका कटाई का है। इसलिए क्रिटिकल हो जाते हैं ज़्यादा क्योंकि इनको करने में छोटी विंडो अवेलेबल है। फसल बोने से लेकर तैयार करने तक में हर कदम पर मशीन मौजूद है, फिर भी हिंदुस्तान में बड़ा हिस्सा परंपरागत खेती पर ही निर्भर है। वजह कई है, मशीन के लिए धन का अभाव, खेती की जमीन छोटे टुकड़ों में बटी होना, सिंचाई के पर्याप्त साधनों का अभाव, बारिश पर निर्भरता, किसानों में जागरूकता की कमी। इन सारी समस्याओं के बारे में एक साथ सोचना, उस पर काम करना
ये किसी मिशन से कम नहीं था। अमेरिका में इन्होंने मिशन की तरह सोचा। ये तब हुआ जब खेती पर निर्भरता जरूर थी, लेकिन खाने पीने की चीजों की इतनी किल्लत नहीं थी, क्योंकि आबादी कम थी और प्रति व्यक्ति जमीन ज्यादा। भूगोल को ठीक से समझने, उसके हिसाब से खेती के तरीकों को तरजीह देने की शुरुआत किसानों के इस महानायक ने की। इस महानायक ने उन किसानों के बारे में सोचा जो परंपरागत खेती से निकलना तो चाहते थे, लेकिन उपकरण नहीं खरीद पा रहे थे। ऐसे लोगों की टोली बनाकर वहां घंटों मुफ्त की सेवा करते हुए डेमो देना, ये काम इस महानायक ने किया। तकनीक को लोगों की आदत में शुमार कर देना, ये काम इन्होंने किया। आधुनिक उपकरणों के लिए हामी भरने वाले किसानों के सामने किश्त में पैसे देने का विकल्प देने की योजना इन्होंने बनाई। इस तरह देखते देखते धीरे के अथक प्रयास से अमेरिका का बड़ा हिस्सा बदलाव की दहलीज पर जा खड़ा हुआ। ये जरूर कहा जा सकता है कि इन सब में इनका भी स्वार्थ था, लेकिन आपका स्वार्थ अगर लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल दे तो वो स्वार्थ मिशन बन जाता है, और वो नायक से महानायक। आज हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई कोना, खेतों में इन्हीं की बनाई मशीनें आपको किसानों के साथ कदम ताल करती दिखती हैं। इन मशीनों ने ना सिर्फ खेती का नजरिया बदल डाला, बल्कि पैदावार में भारी बढ़ोतरी का बड़ा भागीदार बन तीसरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की भूख शांत की।